हेलो एवरीवन, आप साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। ऑल राइट बच्चों, तो शुरू करते हैं आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर नंबर 4 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे विद वन डायमेंशनल कोलिजंस, है ना। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। अभी भूल जाइए सब कुछ, बस ये एग्जाम्पल को आराम से देखिए, कोलिजन अपने आप समझ में आ जाएगा। अपने पास एक ब्लॉक था M1 जो कि V1 वेलोसिटी से जा रहा था, और एक ब्लॉक था M2 जो V2 वेलोसिटी से जा रहा था, और V1 दिया हुआ है कि ग्रेटर देन V2 है, मतलब M1 जो है M2 को बेसिकली अप्रोच कर रहा है। M2 से आप देख रहे हैं कि एक ऐसी स्प्रिंग अटैच्ड है जो कि एक एंड से तो M2 से चिपकी हुई है, पर उसका दूसरा एंड आप देख रहे हैं कि फ्री है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगले पल, है ना। M1 आएगी और इससे टकरा करके स्प्रिंग को क्या करना चाहेगी, वो इसे कंप्रेस करना चाहेगी। तो हमें इतना तो समझ में आया कि M1 इसके पास जाएगा, M2 भी भाग रहा है, लेकिन M1 इसके पास ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगी। अब कंप्रेस जैसे ही होने लगेगी तो आप सोचिए कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाएगी। एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है M2 पर भी ऐसा धक्का लगाएगी और M1 पर भी ऐसा धक्का लगाएगी, है ना। ये फोर्स ऑन M1 हो जाएगा लेफ्ट वाला, और फोर्स ऑन M2 हो जाएगा राइट वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो है वो अपने नेचुरल लेंथ पर आना तो चाहती है ना। तो सोचिए क्या होगा, V2 जो स्पीड है जो पहले कम था वो बढ़ना चालू हो जाएगा, और V1 जो ज्यादा था वो कम होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि M1 की स्पीड आगे थी लेकिन उस पर धक्का पीछे की तरफ लगने लगा। तो अब आप सोचिए कि एक चीज कम है और एक चीज ज्यादा है, ज्यादा वाली चीज कम होती जा रही है और जो कम वाली चीज थी वो ज्यादा होती जा रही है। तो एक मोमेंट तो ऐसा आना ही पड़ेगा ना जब क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर भी हो जाएंगे, है ना। तो अगर हमारे को दिख रहा है कि दोनों बराबर एक टाइम पर हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही ऐसा होगा, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, उस समय एकदम बराबर हो जाएगी, है ना। और यही कंडीशन होगी मैक्सिमम कंप्रेशन की। और मैं इसे मैक्सिमम कंप्रेशन क्यों कह रहा हूं, आप ऐसे सोचिए कि इसके पहले क्या हो रहा था, स्प्रिंग जो है मान लीजिए कि उसके ये एक एंड है और ये एक एंड है, लगातार शुरू में क्या हो रहा था कि ये आगे की तरफ जा रहा था ज्यादा स्पीड से, और ये वाला एंड जो है ये कम स्पीड से जा रहा था आगे की तरफ, जिसके कारण नेट जो है ऐसा लग रहा था कि नेट क्या लग रहा था कि स्प्रिंग जो है उसको इस डायरेक्शन में दबाया जा रहा है, ये ऐसा लग रहा था यहाँ पर रुका हुआ है और ये दब रही है, ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि एक सिरा ज्यादा फास्ट जा रहा था और एक सिरा कम फास्ट जा रहा था। लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसा एक कंडीशन जैसे ही आएगा जब ये सिरा जिस स्पीड से जा रहा है ये सिरा भी उसी स्पीड से अगर जा रहा है, तब तो स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो हमारे को ये समझ में आया कि शुरुआत में क्या हो रहा था कि चूंकि M1 ज्यादा स्पीड से जा रहा था तो ये वाला सिरा फास्ट आगे बढ़ रहा था, और ये वाला सिरा चूंकि V2 स्पीड से शुरू में जा रहा था और V2 कम थी, तो शुरू में क्या हो रहा था कि ये वाला जो एंड है वो कम स्पीड से जा रहा था, कि जिसके कारण स्प्रिंग जो है वो छोटी होती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन अटेन हुई कि इन दोनों एंड की स्पीड एकदम सेम हो गई, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बार स्प्रिंग ने राहत की सांस ली होगी, बोली होगी स्प्रिंग कि भाई चलो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो मुझे और ज्यादा कंप्रेस फर्दर नहीं होना पड़ा, है ना। अच्छा, अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके अगले मोमेंट पर क्या होगा। आप खुद ही सोचिए कि स्प्रिंग इस समय कैसे अवस्था में, स्प्रिंग इस समय है तो कंप्रेशन की स्टेट में, और वो भी कंप्रेशन इस समय मैक्सिमम जितना हो सकता था उतना कंप्रेशन हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले मोमेंट पर देखिए क्या होने वाला है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो ये इसका ये दोनों सिरा है ना क्या करना चाहेगा, जैसे इस राइट वाले सिरे की बात करूं तो ये इधर धक्का लगाएगा और ये जो लेफ्ट वाला सिरा है ये इधर धक्का लगाएगा। तो आप सोचिए कि इस मोमेंट पर M1 की स्पीड भी थी और M2 की भी स्पीड भी थी आगे की तरफ। अब M1 की स्पीड जो है वो क्या होगी, V से तो अगले मोमेंट पर कम हो जाएगी ना, क्योंकि अभी V थी और फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, तो इसकी स्पीड घटनी चाहिए। और अब आप M2 के बारे में सोचिए, अभी स्पीड V थी और धक्का भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। मतलब कि इस इंस्टेंट पर है ना, जैसे ही ये वाला इंस्टेंट आया जब दोनों एंड की स्पीड सेम हो गई, उसके ठीक अगले मोमेंट पर सोचिए क्या होगा कि ये वाला जो सिरा है ना, जो लेफ्ट वाला सिरा है स्प्रिंग का, वो अब कम स्पीड से आगे जाएगा और जो राइट वाला सिरा है वो ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा।
तो अब स्प्रिंग जो है उसका कंप्रेशन जो था वो कंप्रेशन धीरे धीरे अब किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, कंप्रेशन जो है वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगेगा सच दैट कि जो उसका नेचुरल लेंथ था उसको अटेन करने की तरफ ये बढ़ने लगेगा। मतलब अभी ये स्टेट ऑफ कंप्रेशन में थी है ना, कंप्रेशन की स्टेट से अब ये किस तरफ बढ़ने लग रही है, नेचुरल लेंथ एक्वायर करने वाली कंडीशन तक। क्योंकि एक स्प्रिंग जो दबी हुई है ना, एक स्प्रिंग जो दबी हुई है, अब उसका अगर लेफ्ट वाला एंड सोचिए धीरे स्पीड से आएगा आगे और जो राइट वाला सिरा है वो फास्ट स्पीड से आएगा आगे, तो आप ये चीज फील कर पा रहे होंगे कि ये स्प्रिंग में अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो रहा है। अब स्प्रिंग जो है अब कम कंप्रेस होती जा रही है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स अटेनिंग इट्स नेचुरल लेंथ। इसीलिए बच्चों मैंने क्या बोला था कि ये वो मोमेंट है जब इसका मैक्सिमम कंप्रेशन आया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा कि ऐसे किसी भी केस में है ना जब ये इससे टक्कर मार रही है तो मैक्सिमम कंप्रेशन आप कब बोल सकते हैं, जब दोनों की स्पीड सेम हो जाए। और बच्चों इसी को कहने का एक और तरीका है कि रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाए, है ना, दोनों की स्पीड चूंकि बराबर है तो रिलेटिव स्पीड बराबर जीरो हो गई। मतलब एक पर बैठ करके मुझे दूसरे को मैं किस तरीके से देख पाऊंगा, अगर मैं M1 पे बैठ गया तो मुझे लगेगा कि M2 इस समय चल ही नहीं रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। अब सोचिए बच्चों क्या होगा, जैसे ही स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर करेगी उसके बाद क्या होगा, अब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जैसे ही आई तो अब वो बाय को फोर्स लगाएगी, वो तो फोर्स ही नहीं लगाएगी है ना, जैसे ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई तो अब वो फोर्स नहीं लगाएगी। तो अब M1 की जो भी स्पीड है ना, M1 की जो भी स्पीड हो चुकी होगी लेट अस से कि V1 डैश हो गई, और M2 की जो भी स्पीड हो गई V2 डैश हो गई, अब ये अनंत काल तक दोनों आगे बढ़ते रहेंगे इसी स्पीड से, अब दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएंगे है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि शुरुआत में दोनों ब्लॉक जो है वो दोनों एक दूसरे को अप्रोच, मतलब कि M1 जो है वो M2 को अप्रोच करना चाह रहा था, M2 भले दूर जाना चाह रहा था M1 से, लेकिन ओवरऑल हम लोग देख पा रहे थे कि M1 जो है वो M2 को अप्रोच कर रहा था है ना। तो शुरुआत में जो सिस्टम का मोमेंटम था वो कितना था, M1V1 प्लस M2V2, सही है। अब हम लोग अगर ऐसा माने कि जो दोनों ब्लॉक है ना इन दोनों को मिला करके अगर मैं सिस्टम मान लू, तो अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है इन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व है ना। तो यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन व्हाट कैन वी से, हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में जो मोमेंटम था वही मोमेंटम कब हो जाएगा, इंटरमीडिएट सिचुएशन में जब कंप्रेशन मैक्सिमम रहा, तो लिख देते हैं M1V प्लस M2V। क्या इंटरमीडिएट सिचुएशन में कोई फोर्स नहीं लगा दोनों पर, लगा, लेकिन वो कैसा फोर्स था, वो इंटरनल फोर्स था क्योंकि मैंने M1 प्लस M2 को इकट्ठे क्या मान लिया, सिस्टम मान लिया, और वो फिर से किसके बराबर हो जाएगा, M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश के बराबर है ना। एक और चीज आप देखिए कि सिस्टम में हम लोग देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या रही, कंजर्व रही, तो मैं लगा सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स थी ही नहीं है ना। स्प्रिंग फोर्स कैसी होती है, वो भी कंजर्वेटिव होती है ना, तो स्प्रिंग फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी में लॉस तो नहीं आएगा सिस्टम से है ना। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएं, शुरुआत में कितनी एनर्जी थी, ½ M1V1 स्क्वायर प्लस ½ M2V2 स्क्वायर। इंटरमीडिएट सिचुएशन में जब मैक्सिमम कंप्रेशन आया उस समय क्या हो गई थी काइनेटिक एनर्जी, ½ M1V स्क्वायर प्लस ½ M2V स्क्वायर। और उसके अलावा स्प्रिंग में भी तो एनर्जी आ गई थी क्योंकि स्प्रिंग गॉट कंप्रेस्ड, तो आई शुड राइट ½ K x max का स्क्वायर क्योंकि उसमें कंप्रेशन मैक्सिमम था। और बाद में एनर्जी कितनी हो गई, ½ M1V1 डैश का स्क्वायर प्लस ½ M2V2 डैश का स्क्वायर। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या क्या लगा पाए, हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाए और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहां पर दिख रही है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, सही है, क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो शुरुआत में भी जीरो थी और बाद में भी जीरो है,
क्योंकि जो डिफॉर्मेशन आया स्प्रिंग में है ना, वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया फाइनल केस में। ऑल राइट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर लिख लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर आ गई इस केस में, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। क्या काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रही? नहीं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं रही, लेकिन हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जरूर आपस में बराबर आ गए। चलिए, तो जो हमने पढ़ा ना उसके ऊपर एक आसान सा सवाल करते हैं। ईच ऑफ द ब्लॉक शोन हैज मास 1 किलोग्राम, द रियर ब्लॉक मूव्स विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट, द स्प्रिंग अटैच्ड टू द फ्रंट ब्लॉक इज लाइट एंड हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो देखिए, अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, टक्कर के बाद सेम हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करता हूं, 1 into 2 प्लस 1 into 0, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए किसके, 1 into v प्लस 1 into v, मतलब 2v है ना, ये हो गया कितना 2v। तो यहां से देखिए अपने पास v कितना आ गया, v अपने पास यहां से आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब दोनों की स्पीड उस मोमेंट पर कितनी हो चुकी होगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा होगा, उन दोनों की स्पीड हो गई होगी 1 मीटर पर सेकेंड। बस अब क्या करेंगे हम लोग, बस बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले सिस्टम की एनर्जी कितनी थी, हाफ m2 का स्क्वायर, अब कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ m into 1 का स्क्वायर प्लस अगेन हाफ 1 1 का स्क्वायर। लेकिन अब एक और एनर्जी आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में जो दूसरा कंपोनेंट होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, तो आई राइट हाफ के, कितना बोल दूं 50, और उस समय एक्स मैक्स निकालना है, तो यहां पर एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से देखते हैं कितना आ रहा है, 2 1 2 गया, यहां से क्या गया, हाँ ये हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा ना, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 25 एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से एक्स मैक्सिमम कितना आ गया, ये आ गया एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर आ गया 1/25। तो यहां से अपने को एक्स मैक्सिमम कितना आ गया, वो आ गया 1/5 है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/5, और यूनिट मीटर हो जाएगी क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में हमने रखा। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5 into 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। चलिए बच्चों, तो एक और प्यारा सा केस देखते हैं। यहां पर हमारे पास दो बॉल्स हैं और एक की स्पीड v1 है, एक की स्पीड v2 है, और v1 शुरू में क्या था, v2 से ज्यादा था ना, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली देखा जाए तो अप्रोच कर रहे थे। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तब हमने को दिया हुआ है कि ये लिखा है, एट द इंस्टेंट दे कम इन टू कॉन्टैक्ट द रियर बॉल हैज अ लार्जर वेलोसिटी v1 एंड द फ्रंट बॉल हैज अ स्मॉल वेलोसिटी। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर गए है ना, तो उसके बाद क्या होगा, बट द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट मस्ट मूव इक्वल डिस्टेंस इन एनी टाइम इंटरवल एज दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट मोशन के कारण। दोनों जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों को बराबर दूरी तो ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसी कारण से क्या होता है, बॉल्स को क्या होना पड़ेगा, डिफॉर्म होना पड़ेगा एट द कॉन्टैक्ट। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ही डिफॉर्मेशन होगा एट द कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये जो स्पीड है ना, शुरू में दोनों की स्पीड क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन फिर भी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वो तो एक साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे ड्यू टू कंस्ट्रेंट मोशन है ना। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसको आप दूसरे ब्लॉक के साथ अगर हिट करवाएंगे, तो ये ऑब्वियस है कि अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको क्या होना पड़ेगा, सेम स्पीड से आगे जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अगला क्या लिखा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स डिक्रीज एज सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिफॉर्म बॉल्स। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हम लोगों ने स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल में अभी अभी देखा था कि दो ब्लॉक्स थे और दोनों के बीच में एक स्प्रिंग थी, तो कुछ एनर्जी कहाँ चली गई थी, बीच में कुछ एनर्जी चली गई थी स्प्रिंग के पास है ना, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। तो वैसा ही कुछ डिफॉर्मेशन यहां भी होता है। तो देखिए क्या लिखा है, द डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम व्हेन द टू बॉल्स अटेन इक्वल वेलोसिटी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अब क्या होगा, अब कॉन्टैक्ट पॉइंट तो वैसे भी सेम स्पीड से जा रहे थे, लेकिन अब इन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो भी सेम हो गई, तो
तब तो फिर और ज्यादा डिफॉर्मेशन क्यों होगा, है ना। अब तो यहां पर बॉडी भी उसी स्पीड से जाना चाह रही है जिस पॉइंट, जिस रेट से ये जो पॉइंट है ना, ये जो पोर्शन है जो कॉन्टैक्ट में है, ये जाना चाह रहा है, तो अब कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए ना कि डिफॉर्मेशन कब होगा, जिस स्पीड से ये जा रहा है, अगर इससे ज्यादा स्पीड से ये जाए तब बॉडी जो है वो क्या करेगी, डिफॉर्म होगी। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम स्पीड से जा रहा है, तब काय को डिफॉर्मेशन होगा, है ना। तो यही लिखा है, द डिफॉर्मेशन इज मैक्सिमम व्हेन द टू बॉल्स अटेन इक्वल वेलोसिटीज। और बच्चों आपको याद होगा अभी अभी हम लोगों ने यही तो पाया था, मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, जब दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग नहीं रहा, जो भी फोर्स लग रहा है वो आपस का मामला है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स रिमेन कॉन्स्टेंट, है ना। अब आगे देखते हैं कि द बिहेवियर ऑफ द बॉल्स आफ्टर दिस, मतलब एक बार जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया ना, उसके बाद क्या होने वाला है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द बॉल्स। ये चीज देखिए, मैं आपको बिफोर टेकिंग यू टू दैट एक्चुअल केसेस, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो ट्रक वाले थे ना, जो अब ए जो है वो बी की तरफ आ रहा था, अब ए ज्यादा स्पीड से आ रहा था, तो ए जो है वो बी के साथ टक्कर कर गया। अब जनरली हम लोग ट्रक वगैरह के केस में क्या देखते हैं, ये देखिए जब कांटेक्ट में है तब कांटेक्ट पॉइंट तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखिए आगे जा रहा है, और हम लोग अभी तक देखते हैं जनरली कि एक टाइम का बी रुक जाएगा, ए भी रुक जाएगा और धुआं निकलने लगेगा। ये तो होता था हम लोग जो नॉर्मल कोलिजन देखते हैं। इन दोनों ट्रक में खासियत क्या थी कि ये दोनों जो ट्रक है, ये दोनों कोलिजन हो गया, जितना मैक्सिमम कोलिजन होना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होना था वो हो गया, उसके बाद दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रीगेन द ओरिजिनल शेप। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा कि ए आया बी से टकराया, ए का कचूमर निकला, बी का भी कचूमर निकला, बाद में दोनों अपने आप, अपने आप दोनों वापस से यहां से ऐसे दिखने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए कि आपके पास रबर का ट्रक होता है ना, खिलौने का ऐसा रबर का ट्रक होता है, जैसा रबर एकदम बढ़िया सा रबर जिसको दबाते हैं फिर छोड़ देते, तो वापस से वैसा ही शेप रीगेन कर लेता है ना, जैसा वो स्माइली बॉल होता है ना वैसा। तो अगर वैसा ट्रक होता है ना, स्माइली बॉल के शेप, स्माइली बॉल का जो बनावट है उसी तरीके के बनावट का, लेकिन ट्रक के शेप का अगर होता है ये हमारे पास स्माइली बॉल, तो हम लोग सोच सकते थे कि अब ये दोनों ट्रक टकराते, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता, उसके बाद क्या होता, ट्विंग, ये दोनों वापस से अपने अपने शेप को रिकवर कर लेते, है ना। टक्कर के बाद ये ट्विंग वापस, एक पीछे जाने लगता, भी आगे जाने लगता, और जैसा स्माइली बॉल के साथ होता है वैसा इनके साथ भी होता है, और दोनों मस्त वापस एकदम हरे भरे दिखने लगते। लेकिन ऐसा तो हर बार नहीं होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा वास्तव में तो ट्रक ऐसा नहीं करते। तो आखिर चेंज क्यों आया, चेंज आया दोनों के बनावट के अलग होने के कारण, नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द बॉल पे ये बात डिपेंड करेगी। तो देखिए पहला केस है ना, अब हम लोग नेचर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहला केस है अगर बॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा भाई, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक का मतलब होता है कि दे विल ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, है ना। तो फोर्सेस में डेवलप इनसाइड देम सो दैट द बॉल्स ट्राई टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप्स। तो उन जैसे स्माइली बॉल के साथ होता है, आप अगर उसे क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो वापस अपने शेप को रिकवर करना चाहेगा। तो वही यहां पर होता है, फोर्सेस में डेवलप इनसाइड देम, है ना, उनके जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो बोलेंगे कि भाई अपने को ये वाली शेप सही लगती है, अपने को ये वाली शेप सही नहीं लगती है, तो तुम वापस से क्या करो, मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें इंटरनल फोर्सेस जो है वो कहेंगे कि मैं तुम्हें फोर्स दे रहा हूं, तुम वापस से इस शेप को रिकवर कर लो। तो इंटरनल फोर्सेस, जैसा स्प्रिंग में भी नहीं होता है, स्प्रिंग को क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए आप कंप्रेस कर दिए तो स्प्रिंग इतनी सी हो जाती है, उसके बाद ही अंदर ही अंदर घुटती है, घुटती है, घुटती है, क्यों, क्योंकि अंदर जो स्प्रिंग फोर्सेस है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यार तुम अपने ओरिजिनल शेप को अटेन करो ना। तो जैसे ही आप 2 मिनट के लिए भी इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, ट्विंग, ये वापस ऐसा शेप, ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा। तो यही खासियत होती है इलास्टिक बॉडीज की। तो बेसिकली ये वही वाला केस हो गया जिसमें एक ब्लॉक था और इस तरीके से एक स्प्रिंग थी, और ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे। क्या हुआ था, थोड़ी देर बाद वापस से क्या हो गया था, थोड़ी देर बाद वापस से हो गया था कि स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं रही और वापस से इनकी काइनेटिक एनर्जी रिकवर हो गई, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पर, आफ्टर सेपरेशन द बॉल्स रीगेन देयर ओरिजिनल शेप्स। तो
so that the elastic potential energy is completely converted back into kinetic energy. अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो जिस तरीके से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसी तरीके से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हम लोग किसी भी बॉडी के लिए बोल सकते हैं कि अगर बॉडी में डिफॉर्मेशन आया है ना, बॉडी जो है उसमें डिफॉर्मेशन आया, तो हम लोग कहते हैं कि उसके पास क्या आ गई, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना। तो देखिए आपको याद होगा कि अगर आप में से कोई टेबल टेनिस खेलता है ना, टेबल टेनिस अगर खेलता है, तो अगर बॉल जो है वो गलती से आप चढ़ गए उसके ऊपर और वो पिचक गई, तो आप उसे फेंकते नहीं है, आप क्या करते हैं, आप घर में पतीला लेते हैं, पतीले में पानी भरते हैं और नीचे से उसको गर्म करते हैं और उसमें डालते हैं पिंग पोंग बॉल, जिसके कारण क्या होता है, अंदर अंदर जो हवा होती है, अंदर जो उसके अंदर जो भी क्या कह सकते हैं गैस होती है, तो वो गर्म होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दबाव देती है कि डिफॉर्म बॉल्स तुम वापस से अपने शेप को रीगेन करो, जिसके कारण वो पटाक से अपने शेप को रीगेन कर लेती है ना। तो उसी तरीके से इनके अंदर जो हमारा स्माइली बॉल होता है, उनके अंदर भी ऑलरेडी ये फोर्स होता है जो क्या कहते रहता है कि भाई अपने शेप को रिकवर करो। तो ऐसे कोलिजन में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और ऐसे कोलिजन को हम लोग नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन। चलिए बच्चों, तो अब दूसरा केस देखते हैं, अगर बॉल्स जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हुई तब क्या होगा ना। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि वो अपने नेचुरल शेप को रिगेन करना ही नहीं चाह रहे, जैसे कि देखिए लिखा है, इफ द बॉल्स हैव नो टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप्स आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एज अ रिजल्ट दे डू नॉट पुश ईच अदर एंड कंटिन्यू टू मूव विद देयर डिफॉर्म्ड शेप्स, the kinetic energy decreases at the time of deformation and thereafter remains constant at this decreased value, such a collision is called an inelastic collision. मतलब कि क्या हो गया, हम लोग देखे थे ना कि kinetic energy जो है लगातार कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक टाइम क्या आता है जब मैक्सिमम कौन आ जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपने मैक्सिमम पर आ जाता है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है ना। तो उस केस के बाद हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिक बॉडीज क्या करती है, दे तो वापस से ट्राई टू रिकवर देयर ओरिजिनल शेप एंड इवेंचुअली दे एक्वायर देयर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां पर देखिए एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, ये उधर से ए ट्रक आई, ये इधर से बी ट्रक आया, ये दोनों टकराया, टकराने के बाद क्या आपको लगता है कि ये दोनों वापस से ऑटोमेटिकली इस स्टेट और इस स्टेट में वापस पहुंच पाएंगे? नहीं। तो जितना कोलिजन के कारण नुकसान हुआ वो बरकरार रहेगा और को अपने आप ये दोनों ट्रक अपने को ठीक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही फर्क होता है किसमें, इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में। चलिए तो अब आखिरी केस की बात करते हैं, मतलब कि अब ना ही ये परफेक्टली इलास्टिक है ना ही ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये कुछ बीच वाला केस है। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ये पार्शियली इलास्टिक है, मतलब पूरी तरीके से इट विल नॉट आई मीन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वही लिखा है द बॉल्स try, you know, they try to regain their original shapes, but the balls separate, but the shapes are not completely recovered, you know, complete recovery ab nahi ho pati hai, to abhi bhi kuch energy kahan reh jati hai, some energy remains inside the deformed ball, isliye final kinetic energy kya aayegi, less than initial kinetic energy, kyunki energy ka kuch hissa kidhar rahega hamesha, इन द डिफॉर्म्ड स्टेट, है ना, वो जो डिफॉर्म्ड बॉल्स हैं उनमें कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगी ही रहेगी। चलिए बच्चों, अब तक तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल बात कर ली ना, अब थोड़ी कैलकुलेशन की बात करते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अगर हो रहा है, तो उसमें अभी हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कि किस रेट से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टक्कर हुई और M1 की शुरू में स्पीड V1 थी, ऑब्वियसली V1 क्या थी, ज्यादा थी V2 से, तभी टक्कर हो पाएगी। और बाद में क्या हुआ, M1 की स्पीड हो गई V1 डैश और M2 की स्पीड हो गई V2 डैश, ये दोनों अलग क्यों हो पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली V2 डैश क्या होगा, V1 डैश से ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये पता नहीं कितनी जगह काम में आएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब हुआ कि देखिए M2 भागना चाह रहा है दूर M1 से, किस स्पीड से, V2 डैश से, लेकिन M1 जो है वो M2 की तरफ आना चाह रहा है कितनी स्पीड से, V1 डैश से।
तो नेट अगर देखा जाए तो ये दोनों जुदा किस रेट से हो रहे हैं भाई? जुदा होना तो चाह रहे थे V2 डैश से, जैसे M2 चाह रहा था V2 डैश से अलग होना, लेकिन पीछे पीछे M1 तो उल्टा काम कर रहा है, वो तो इसके पास आना चाह रहा है। तो इसीलिए जो इन दोनों के जुदा होने का रेट है ना, वो हो जाएगा V2 डैश माइनस V1 डैश। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो भाई M1 तो M2 के पास आना चाह रहा था, M1 वाज ट्राइंग टू अप्रोच M2 किस स्पीड से, V1 से, लेकिन ये कमबख्त M2 ये क्या कर रहा था, ये से दूर जाना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2, क्योंकि V2 जो है ये तो उल्टा काम कर रहा है, ये तो भागना चाह रहा है दूर। तो अभी हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ना V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू V2 डैश माइनस V1 डैश, और सिंपल भाषा में कहें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलिए देखते हैं कैसे किया जाए इसे प्रूव। बेसिकली हमारे को एक इक्वेशन पता है मोमेंटम कंजर्वेशन की, यहाँ पर M1V1 + M2V2 वो किसके बराबर आना चाहिए, M1V1 + M2V2 डैश। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होनी चाहिए, तो मैं लिख दूंगा ½ M1V1 square + ½ M2V2 square। ये किसके बराबर होना चाहिए, ½ M1V1 डैश का स्क्वायर + ½ M2V2 डैश का स्क्वायर। तो देखिए मैं कैसे डिराइव करने वाला हूं इसे, मैंने फिर से ये इक्वेशन लिख दी, बस हाफ को हर जगह से हटा दिया, तो ये चलिए एक इक्वेशन हो गई, और मोमेंटम वाली इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन चलिए बोल दिया। तो चलिए अब एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन में एक काम करते हैं, M1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, M1V1 square - V1 dash का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा, M2V2 dash का स्क्वायर - V2 square, है ना, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। इसी तरीके से अगर मैं M1 को अगली सेकेंड वाली इक्वेशन में कॉमन दे दूं तो क्या आ जाएगा, M1V1 - V1 dash और प्लस क्या, सॉरी इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा M2V2 dash - V2, है ना। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, M1 से M1 उड़ गया, M2 से M2 भी उड़ गया, तो ये क्या बन गया ऊपर V1, ये देखिए A² - B² वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा V1 + V1 dash is equal to, ये किधर कितना आ जाएगा, V2 dash + V2 के बराबर, है ना, A² - B² होता है ना, A + B * A - B, तो उसके कारण A + B बच गया। तो यहां से देखिए अपने को जो प्रूफ करना था वो आ गया, क्या आ गया अपने पास, V1 - V2 = V2 dash - V1 dash। देखिए ये प्रूफ हो गया हमारा, यही तो प्रूफ करना था ना, चेक कर लेते एक बार, ये रहा V1 - V2 = V2 dash - V1 dash। तो चलिए वैसे तो हमारा कोलिजन की थ्योरी जो है वो खत्म हो गई, पर मैं कुछ स्पेशल केसेस से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ हेवी बॉडी अगर हो विद अ लाइट बॉडी, है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहला केस है इसमें भी, कि मान लीजिए M1 जो है, M1 ये रहा M1, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू M2 के, है ना, और M1 आ रहा था कितने स्पीड से, V1 से, और M2 बेचारा जा रहा था कितने से, V2 से। तो ये कैसा लग रहा है कि हाथी जो है किससे टकराने वाला है, एक चूहे से। तो चलिए देखते हैं कि हाथी और चूहे की लड़ाई में क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन क्या लिख दे, M1V1 + M2V2 = बाद में इसकी V1 डैश बोल देते हैं और इसकी V2 डैश बोल देते हैं, तो M1V1 dash + M2V2 dash, है ना। और हम लोगों ने एक और चीज क्या सीखी है, हमने ये सीखा कि अगर इसकी बाद में वेलोसिटी V1 डैश हो गई और इसकी बाद में वेलोसिटी V2 डैश हो गई, तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो कितने से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, V2 डैश - V1 डैश = कितने से अप्रोच हो रहा है, ये V1 - V2। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी डिस्कशन करा है अभी। तो मैंने आप देखिए चालाकी दिखाई, मैंने क्या चालाकी दिखाई, मैंने वो बुरी वाली इक्वेशन नहीं यूज करी, एनर्जी वाली, क्यों, क्योंकि उसमें स्क्वायर वाला टर्म आ रहा था। तो अब मेरे को दो सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस मिल गए, है ना, तो इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ से V1 डैश और V2 डैश, है ना, बेसिकली यही तो मेरे को निकालना है कि V1 डैश और V2 डैश कितना कितना हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं ना, पहली वाली इक्वेशन ये है और दूसरी वाली इक्वेशन ये है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो V1 है ना, ये किसकी वेलोसिटी है,
ये तो m1 की वेलोसिटी है जो कि बहुत ज्यादा हेवी है एज कंपेयर टू m2। तो वैसे केस में मुझे पहले इक्वेशन को देख करके समझ में आ रहा है कि ये m1 v1 ये जो प्रोडक्ट है ये तो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू m2 v2। और उसी तरीके से m1 इंटू v1 डैश इसको भी क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होना पड़ेगा एज कंपेयर टू m2 v2 डैश। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, m1 v1 ऑलमोस्ट इक्वल टू m1 v1 डैश, जिससे क्या आ जाएगा v1 ऑलमोस्ट इक्वल टू v1 डैश, है ना। तो एक इक्वेशन तो अपने पास आ गई। अच्छा मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि जहाँ दो भी वेलोसिटीज है वो बहुत साधारण सी वेलोसिटी है। अब ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि ये भी तो केस बन सकता था सर कि भले m2 बहुत छोटा है लेकिन v2 अगर स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा, भाई हम लोग उतनी हाई स्पीड के बारे में चर्चा फिलहाल नहीं कर रहे, है ना। तो उस केस में तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि v1 क्या रहेगा, ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा, है ना। तो v1 ऑलमोस्ट इक्वल टू v1 डैश आ गया। अब इक्वेशन नंबर टू को देखिए, यहां से v2 डैश कितना आ जाएगा, v2 डैश आ रहा है देखिए v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। अब ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके कह देंगे हम लोग इसे, v1 डैश तो ऑलमोस्ट v1 के बराबर है, तो ये कितना आ गया 2v1 माइनस v2। तो v2 डैश बेसिकली कितना आ गया 2v1 माइनस v2। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी कि आप इन चीजों को रटे, है ना। मैं बस चाहता हूं कि आप इन सारी डेरिवेशंस को एनालाइज करें और सीखें कि ये कैसे आया, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी खुद से डिराइव कर सकते हो और बहुत टाइम टेकिंग भी तो नहीं है। वैसे इस रिजल्ट को देख करके एक बड़ी प्यारी सी चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बहुत हैवी चीज है ना, जैसे m1 मास का ये बहुत हैवी सा चीज है, अगर ये किसी रुके हुए चीज से इस तरीके से आकर के टकराया है ना, सच दैट कि इसकी b1 है और इसकी b2 तो कितनी है, 0 है अगर ये रेस्ट पर है, तो देखिए कि m1 की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन b2 डैश कितना हो जा रहा है, मतलब m2 की नई स्पीड कितनी हो जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 टाइम्स v1। मतलब अगर m1 m2 से टक्कर मार रहा है तो अगर m1 बहुत हेवी है तो m2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी किसकी स्पीड के, जो m1 की स्पीड थी, है ना। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, और दूसरा केस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ m1 इज मच मच लेस देन m2। मतलब कि यहां पर मान लीजिए कि एक चूहा आया है ना, चूहा जो है वो आ रहा है v1 स्पीड से, और यहां पर बड़ा सा हाथी है ना जिसका मास है m2, चूहे का मास m1, तो अगर ये इसे दौड़ के आके टकरा रहा है, और मान लीजिए हाथी मस्त अपनी चाल में चल रहा था v2 से, तो अब सोचते हैं कि m1 की नई स्पीड v1 डैश और m2 की नई स्पीड v2 डैश कितनी हो जाएगी, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या लिख देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। और दूसरी इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने से सेपरेट हो रहे हैं, v2 डैश माइनस v1 डैश हैज टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने से अप्रोच कर रहे थे, v1 माइनस v2 से। तो चलिए सोचते हैं कि यहां पर कौन सी कंडीशन लगानी है, m2 मच मच ग्रेटर देन m1। तो अगर m2 बहुत ज्यादा है m1 के कंपैरिजन में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों सर्कल के अंदर जो भी भरा हुआ है ये डोमिनेटिंग है, इसका मतलब v2 डैश जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू v2 रहेगा, है ना। तो अगर इसको पुट करूं मैं इस नीचे वाली इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, v2 डैश तो कितना हो गया, v2 डैश तो v2 के ही बराबर हो गया, तो v2 डैश को मैं v2 ही लिख देता हूँ, माइनस v1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा v1 माइनस v2 के, है ना। तो यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v2 का डबल हो जाएगा क्योंकि इधर से भी v2 आ जाएगा 2v2 माइनस v1 डैश बराबर v1, है ना। तो यहां से v1 डैश कितना आ गया, v1 डैश आ गया 2v2 माइनस v1। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर चूहा जो आ रहा था ना v1 स्पीड से इस बहुत बड़े हाथी के पास, है ना, जिसका मास m2 था, अगर मान लीजिए ये रेस्ट पर होता तो मैं क्या बोल देता कि v2 बराबर 0, दैट मींस v2 डैश भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो उस केस में ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 डैश कितना हो गया माइनस v1, इसका मतलब कि जैसे ये टकराएगा तो vs की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मतलब कि ऐसा तो आपने देखा भी है जब आप खेलते हैं घर में, मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को आप मारते हैं दीवार पे अगर v स्पीड से तो क्या होता है उसके साथ, वो रिबाउंड करता है v स्पीड से,
वही चीज हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर जिस बॉडी से ये टकरा रही है अगर बहुत हेवी है तो वो बॉडी क्या कर जाएगी, रिबाउंड कर जाएगी। अगर हेवी बॉडी जो है वो कैसी थी, रेस्ट पर थी, वरना तो ये वाला फॉर्मूला है ही हमारे पास। पर अगेन मैं बता रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस चीजों को देख करके समझ करके आगे बढ़ते जाइए। देखिए अगला केस जो होने वाला है उसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं दो बॉडीज का जिनका मास सेम है। तो रिजल्ट आने वाला है एक्चुअली कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड। आइए इस चीज को प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है जिसका मास m1 है, स्पीड v1 है, ये m2 है जिसकी वेलोसिटी v2 है। अब मान लेते हैं कि इसकी बाद में वेलोसिटी टक्कर के बाद v1 डैश हो गई और इसकी हो गई v2 डैश, है ना। तो अगेन इक्वेशन क्या बना सकते हैं, यहां पर अपने को ये दिया हुआ है इस बार कि m1 बराबर m2 बराबर लेट अस से स्मॉल m है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, mv1 प्लस mv2 बराबर mv1 डैश प्लस mv2 डैश, और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो लगा ही सकते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v1 माइनस v2, और ये किसके बराबर होना चाहिए, v2 डैश माइनस v1 डैश, है ना। तो यहां से चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, m m m और m तो कट गया, तो v1 प्लस v2 अपने पास कितना आ गया, v1 डैश प्लस v2 डैश के बराबर, है ना। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, v2 और v2 माइनस v2 कैंसिल आउट हो गए, और यहां पर v1 डैश और माइनस v1 डैश कैंसिल आउट हो गए, तो क्या आ गया, 2v1 बराबर 2v2 डैश, है ना। तो अपने पास क्या आ गया कि जिस वेलोसिटी से, है ना, सेकेंड मास m2 जो है कोलिजन के बाद जाएगा वो वेलोसिटी को हमने v2 डैश माना था, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, v1 के बराबर, है ना। और उसी तरीके से अगर मैं v1 डैश निकालू, है ना, चलिए v1 डैश निकालते हैं, तो इक्वेशन थी v1 माइनस v2 बराबर v2 डैश माइनस v1 डैश। तो मुझे क्या पता चल गया, v2 डैश बराबर v1 है, तो यहां मैं लिख देता हूँ v1 माइनस v1 डैश, तो v1 माइनस v2 बराबर इतना आ गया, v1 से v1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से भी क्या आ गया, v2 बराबर v1 डैश। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 है, और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 है। अब आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट का कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली देयर वेलोसिटीज आर म्यूचुअली इंटरचेंज्ड। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है m मास की, वो मान लीजिए आ रही थी v स्पीड से एक और बॉडी के पास जो कि रुकी हुई थी ऑफ द सेम मास, तो क्या होगा, इस वाली बॉडी को अब क्या करना पड़ेगा, ये जो रुकी हुई बॉडी थी वो चलने लगेगी v स्पीड से, और जो चल रही बॉडी थी वो अब रुक जाएगी, है ना। तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, बेसिकली इंटरचेंज हो जाती है। चलिए तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे को पता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होता है ना। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया एक इन इलास्टिक कोलिजन का, आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था कि ट्रक कैसे टकराई टकराई और फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के रुक गई। उसमें तो मैंने केस इसलिए बोला था कि रुक गई क्योंकि ये रियल केस है ना जिसमें फ्रिक्शन वगैरह रहता है, लेकिन अगर मैं इसे आइडियल केस मानूं जिसमें कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो उस केस में हमें समझ में आ रहा है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोमेंटम ए और बी को मैक्सिमम डिफॉर्म स्टेट में आगे बढ़ते जाना पड़ेगा किसी कॉमन वेलोसिटी से। तो वही मैं यहां पर लिख सकता हूं, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या हो जाएगा, m1 v प्लस m2 v, है ना। और इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से v कितना आ गया, v आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो अपने को कॉमन वेलोसिटी मिल गई, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हुआ ही है। तो लॉस कैसे निकाले, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, कितनी थी वो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, माइनस कितना कर देंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि कितनी है, हाफ m1 प्लस m2, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कंबाइंड मास है, और ये कितने स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, इसका स्क्वायर करना होगा। आप समझ रहे हैं, इस बार मैंने आइडियल केस माना है जिसमें ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जिसके कारण ये दोनों रुक नहीं रही, ये दोनों
लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो अब देखते हैं यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इसको चलिए रीअरेंज करना चालू कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद की कैलकुलेशन मैंने आपके लिए करके रख दी है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन ही थी, बस चीजों को कंबाइन करना था। मैंने यहाँ पर M1 प्लस M2 का फिर LCM कॉमन लेकर के इसे सॉल्व किया है, तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके कहीं पर भी कैलकुलेशन अपनी चेक कर सकते हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आता है ना, जो फाइनल रिजल्ट आया मेरा वो क्या आया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या याद रख सकते हैं हम लोग, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हैं हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ इंटू, देखिए ये M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसका नाम होता है रिड्यूस्ड मास, इसको मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया। और ये देखिए V1 माइनस V2 मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी ही तो हो गई, है ना, और v रिलेटिव का स्क्वायर। अच्छा अब हम लोग एक और नई चीज डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग स्मॉल e से डिनोट करते हैं, है ना। वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अलग अलग केसेस में हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर आ जाता था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इसीलिए E बराबर 1 किस केस में होगा, E बराबर 1 हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और कैसे केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में, तो वहां पर सेपरेशन तो हो ही नहीं रहा था, तो सेपरेशन नहीं हो रहा था तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी, तो उस केस में E बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बाकी केस में क्या हो जाता है, E की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, जिसमें हम लोग बोलेंगे कब, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो बेसिकली हमारे को क्या क्या पढ़ना है, हमारे को E की वैल्यू जब 0 से 1 तक हो रही है तो उन केसेस को डील करना होता है। 0 जब हो रही है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, E की वैल्यू 0 से 1 जब हो रही है तो पार्शियली इलास्टिक, और 1 जब हो रही है तो परफेक्टली इलास्टिक। चलिए तो अब समय आ गया है कुछ सवाल करने का। सवाल है, द टू बॉल्स शोन आर आइडेंटिकल, द फर्स्ट मूविंग एट द स्पीड वी टूवर्ड्स राइट एंड द सेकेंड स्टेइंग एट रेस्ट, द बॉल एट द एक्सट्रीम राइट इज फिक्स्ड, एज्यूम ऑल कोलिजन्स टू बी इलास्टिक, शो दैट द स्पीड्स ऑफ द बॉल्स रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर ऑल द कोलिजन्स हैव टेकन प्लेस, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये बॉल जब इससे टकरा रही है ना, इस तरीके से आकर के टकरा रही है, तो कैसा कोलिजन कह रहा है, ये इलास्टिक कोलिजन कह रहा है ना, सारे जगह का कोलिजन इलास्टिक है। तब तो बड़ा आसान हो गया सवाल, ये एम मास का बॉल इस एम मास के बॉल से अगर टकराएगा और इलास्टिक कोलिजन करेगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं क्या होगा, ये बॉल रुक जाएगा और ये वाला बॉल चलने लगेगा। तो ये देखिए ये बॉल अब चलने लगा और ये एग्जैक्टली वी स्पीड गेन करेगा और ये बिल्कुल रेस्ट पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो ये बॉल है एम मास वाला, दोनों का ही तो मास एम है, तो जो राइट वाला बॉल है जो शुरुआत में रुका हुआ था लेकिन अब चलने लगा, वो अब दीवार से टकराएगा, और दीवार से टकराने के बाद क्या होगा, इसके साथ स्पीड पलट जाएगी, टक्कर हुआ अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, है ना। अब ये लेफ्ट की तरफ चलने लगेगा, लेकिन ये क्या पाएगा कि अरे यहां तो एक और बॉल है जिसका मास सेम है और कोलिजन का टाइप कैसा है, इलास्टिक। तो अब क्या होगा, अब टक्कर के बाद ये रुक जाएगा जो चल रहा था, और जो रुका हुआ था वो चलने लगेगा। और इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितने कोलिजन्स हुए, पहले दोनों बॉल्स का कोलिजन हुआ कोलिजन नंबर 1, फिर बॉल का वॉल के साथ हुआ कोलिजन नंबर 2, फिर से बॉल का दूसरे बॉल के साथ कोलिजन हुआ कोलिजन नंबर 3। तो तीन कोलिजन के बाद हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी तो ओरिजिनल बॉल की चेंज हो गई, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आया, स्पीड वापस इसकी भी हो गई। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया और जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर भी दिया। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम मूविंग एट अ स्पीड वी कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m, है ना, 2m का ब्लॉक था ये, लेकिन ये रेस्ट पर था। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, अच्छा कोलिजन के बाद वे ये स्मॉल m का ब्लॉक ये रुक गया। अब हमको ये नहीं दिया है कि 2m की स्पीड कितनी होगी, तो चलिए 2m की स्पीड को मान लेते हैं v डैश।
अब अपने को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व। तो m इंटू वी बराबर क्या बोल देंगे, 2m इंटू वी डैश, क्योंकि पहले 2m रुका हुआ था और बाद में m रुक गया। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास v डैश की वैल्यू आ गई v बाई टू। अब अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं उसे, और वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अब ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेपरेट कितने से हो रहे हैं, भाई ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा स्मॉल है, तो 2m भाग रहा है v डैश से, तो यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कितने से कर रहे थे, नेट तो v से ही कर रहे थे क्योंकि 2m रुका हुआ था। तो हमारे को ये दिख गया कि v डैश अपॉन v आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इस इक्वेशन से देखें तो v डैश अपॉन v कितना आ जाएगा, v डैश अपॉन v आ जाएगा हाफ। तो हमारा जवाब क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू हाफ। चलिए तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल करते हैं बच्चों। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम है ना, ये 50 ग्राम मास का बुलेट है, इज फायर्ड फ्रॉम बिलो इनटू द बॉब ऑफ मास 450 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग सिंपल पेंडुलम। द बुलेट रिमेन्स इनसाइड द बॉब एंड द बॉब राइजेस थ्रू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट। जैसा कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूं क्या हुआ होगा, टक्कर के बाद ये कुछ इस तरीके से स्लैक हो गया होगा और ये कितना ऊपर उठ गया, ये उठ गया 1.8 मीटर, है ना। तो जैसे ही टक्कर हुआ होगा स्ट्रिंग क्या हो गई होगी, उसके बाद स्लैक हो गई होगी। तो चलिए सोचते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो कोलिजन दिखाई दे रही है ना, बिटवीन दिस बुलेट एंड द बॉब। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ऑब्वियसली देर आर फोर्सेज अलोंग द वाई डायरेक्शन, जैसे बुलेट पर एमजी लग रहा है, बॉब पर भी एमजी लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, पर उनमें से कोई भी इंपल्सिव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वाई के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो हुआ कैसा कोलिजन यहां पर, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सवाल में दिया है रिमेन्स इनसाइड, मतलब कि ये इसके अंदर घुस करके रह गया ना, ये निकला नहीं बाहर। तो इसका मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो चलिए देखते हैं कि फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी कितनी आएगी, ना बुलेट यहां पर अब घुसा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी इनिशियल स्पीड हमें दी नहीं है ना, तो उसको वी मान लेते हैं ना, कि ये वी स्पीड से मान लेते हैं जा रहा था, और ये तो हम लोगों ने लिख दिया। उस समय बॉब तो रुका हुआ था तो उसका काउंट नहीं होगा, दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अब 50 और 450 मिलकर के कितना हो गया 500 अपॉन 1000 केजी। अब मान लेते हैं कि ये वी डैश स्पीड से जाने लगा, मतलब ये जो कंबाइंड है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है किसका, ये जो बॉब है और जो बुलेट है, ये जो कंबाइंड सिस्टम है, ये कितने से जाने लगा ऊपर, जस्ट आफ्टर कोलिजन वी डैश से। तो हमारे को क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन तो यहां पर आ गई, अगली इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं भाई। तो देखिए एक बार जब ये इसके अंदर बच्चों घुस गया ना, तो अब ये ऊपर की तरफ जाता रहा, तो कोई अब एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ ना, जब ये यहां से वी डैश से जाना चालू किया और जब ये फाइनली रुका एक मोमेंट के लिए, तो वहां तक तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कोई कमी नहीं आई। बस हुआ क्या, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 1000, है ना, 500 अपॉन 1000 इंटू वी डैश का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, एम जी इंटू किस हाइट तक गया, ये एच बोल देते हैं 1.8, यही तो अपने को दिया हुआ था। तो हमने क्या यूज किया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। तो यहां से देखिए एम से एम तो कैंसल आउट हो गया, तो यहां से वी डैश कितना आ गया, वी डैश आ गया अंडर द रूट ऑफ ये हो जाएगा 18 इंटू टू 36, तो वी डैश आ गया 6, है ना, और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो अगर वी डैश अपने को मिल गया तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है ना, ये वाली इक्वेशन देखिए, यहां से अपने को v मिल सकता है। तो चलिए v निकालते हैं, v कितना आ जाएगा, देखिए 50 यहां से एक जीरो गया, एक जीरो गया, हजार तो पूरा ही गायब हो गया, तो v बराबर कितना आ गया, 10 टाइम्स v डैश, और v डैश कितना आया था 6, तो हमारा v कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बुलेट कितने स्पीड से जा रही थी, 60 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और उस समय एनर्जी का लॉस हुआ, है ना, एनर्जी का लॉस हुआ है बिल्कुल, लेकिन कब,
ड्यूरिंग द कोलिजन, लेकिन एक बार जब बुलेट इसके अंदर फिट हो गई उसके बाद ये जो कंबाइंड सिस्टम है ना ये बस ऊपर उठा, तो उस दौरान कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई। तो बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। गलती कहाँ होती है, वो बोल देते हैं हाफ इंटू 50/1000, है ना, हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर बराबर टोटल मास 500/1000 इंटू जी इंटू एच करते हैं। ये करना गलत है क्योंकि ड्यूरिंग द कोलिजन तो एनर्जी में लॉस हुआ है ना। हाँ, आप एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं, वंस द बुलेट इज प्रॉपरली इनसाइड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन खत्म हो गया। अब हम लोग आखिरी लेक्चर पर जाएंगे और आखिरी लेक्चर में हम लोग डील करेंगे किसके साथ, इंपल्स और टू डायमेंशनल कोलिजन के साथ। तो चलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इस लेक्चर की और इसके असाइनमेंट्स की, ताकि आपको 2D कोलिजन में जरा भी दिक्कत ना आए। ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।